दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्रिप्टो फैमिली के साथ मिलकर काफ़ी बढ़िया अमेजिंग प्रॉफिट बना रहे होंगे। आज हमारे पास ना काफ़ी मेगा बड़ी बड़ी न्यूज़ और अपडेट है, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर करके टेलीग्राम ट्विटर चैनल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार आप सबसे एक शिकायत जरूर है मुझे, आप सब वीडियो देखते हो लेकिन शेयर नहीं कर सकते हो, है ना यार। इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, वीडियो देखो शेयर जरूर करो ताकि और भी भाई लोग ये वीडियो देख पाए, अपडेट्स के बारे में, मीम टोकन्स की न्यूज़ के बारे में पता चल पाए। और पूरे यूट्यूब पे जाके देखो, अल्टकॉइन डेली न्यूज़ सब बताते हैं लेकिन मीम टोकन के बारे में कोई कितना चैनल जो अपडेट देते हैं। और मैं आप सबके लिए मीम टोकन का जो डेली बेसिस पे अपडेट होता है वो कोशिश करता हूँ 4 से 5 अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट होता है आप तक डिलीवर करूँ। प्लीज़ यार इतना सा रिक्वेस्ट है, जरूर पूरा कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं WRX होल्डर्स के लिए, बिकॉज ऑफ भाई यहाँ पर ना बनास ना ही WRX जो इसका ट्विटर प्रोफाइल है वो नहीं छोड़ रहा यार, कभी कुछ न्यूज़। और जब स्टार्टिंग में ही सीजर ने कहा था ना, तभी मैं कहा था भाई इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल है, और जितना हो सके अगर आप प्रॉफिट में हैं या कम से कम प्राइस रेंज लेवल पे भी है ना, आपने जहाँ बाय किया अगर कुछ प्रॉफिट नहीं है लेकिन एक लेवल पे निकल जाओ भाई, उसमें भलाई है। बिकॉज ऑफ कुछ भी हो सकता है, उससे अच्छा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, बहुत सारे कॉइन्स दे रही है अपॉर्चुनिटीज़, उसको बाय करो, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क क्यों लेना है। कभी भी WRX टोकन जो है ध्वस्त हो सकता है, WZX एक्सचेंज का भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि भाई बायनांस ने पहले ही बोला कि भाई हमारी कोई भी यहाँ पर होल्डिंग नहीं है। अभी बर्निंग से रिलेटेड जो क्लियरिफिकेशन आया था कि भाई 2 बार बर्निंग हुआ लेकिन बायनांस की तरफ से नहीं हुआ, तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना शॉक में डालती है। तो यार जो चीज़ बोला हूँ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ पेपे कॉइन की। जी हाँ दोस्तों, जिसकी क्रैकन एक्सचेंज के ऊपर हो चुकी है लिस्टिंग, कोई इम्पैक्ट नहीं है, डंप डंप डंप। तो बस आप अगर प्रॉफिट नहीं बनाए हो ना, इससे आपको नाराज़ नहीं होना, लेकिन ये चीज़ सोचो कि आपने लॉस भी नहीं किया है, इसकी वजह से खुश रहो, ठीक है। जहाँ से जो मिल रहा है उसी में हम सब खुश रहे, वही अच्छा है। पेपे ने बहुत लोगों को पेपे बनाया है, तो इन सब कॉइन से थोड़ा सा बच के रहने में ही भला है। जहाँ तो इसके साथ साथ फ्लॉकी की बात करता हूँ, तो भैया हॉट कॉइन ग्लोबल नाम करके एक्सचेंज है जिसके ऊपर लिस्टिंग हुई है, तो भाई जैसे ही बायनांस लिस्ट करेगा तो जितने भी छोटे मोटे एक्सचेंजेस हैं सभी लिस्ट करेगा, लेकिन बहुत जल्दी कॉइन बेस का भी नंबर आ सकता है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड लीडिंग एक्सचेंज वो भी है, है ना। उन सब पर लिस्टिंग हुआ तो थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वीटा इनो भी अपना न्यू वेबसाइट लुक को कर दिया है लॉन्च। हमारे दूसरे चैनल क्रिप्टो इनकम पे डिटेल वीडियो मिल जाएगी बहुत ही जल्दी, तो मेक श्योर आप जरूर जाके देखिएगा वो वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चीज़ इसके अंदर इम्प्रूव हुआ और क्या इसका फ्यूचर प्लानिंग भी यहाँ पर आया है न्यू निकल के, सारी कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेबी डॉज कॉइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका जीरो ट्रांसफर फीस जो हो चुका है लाइव। जी हाँ दोस्तों, अब जो है अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफ़र करोगे कॉइन्स को तो जीरो ट्रांसफ़र फीस आपको लगने वाले हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये चीज़ें कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके साथ साथ लास्ट 24 आवर के अंदर 4.8 ट्रिलियन टोकन बर्न भी हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और बेबी डॉज कॉइन काफ़ी अच्छा खासा काम कर रहा है, तो जरूर इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। अभी काफ़ी अच्छा खासा प्राइस रेंज के ऊपर मिल रहा, बट सबसे बड़ी न्यूज़ मेगा न्यूज़ आप कह सकते हो या दोस्तों लास्ट न्यूज़ है वो है बी राइज के रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज इसके ट्विटर प्रोफाइल पे एक ट्वीट होता है और भाई इसके प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में लोगों ने यहाँ पर अपना ओपिनियन शेयर किया, और एक जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक कमेंट आया था। जी हाँ दोस्तों, एक आर्टिकल शेयर किया गया है जहाँ पर बी राइज के जो है प्राइस प्रेडिक्शन किया गया 2050 तक, और पता है 2050 का क्या प्राइस है? $1। जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल अगर हो गया तो सोचो यार, है ना। हालांकि समय है बहुत है, जब तक हम सब तो मे भी बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यार $1। अगर हम बात करते हैं 2025 के बारे में, तो भैया यहाँ पर जो है 2025 में बोला जा रहा है कि 10 जो है ये आसानी से कम किल कर सकता है। यहाँ दोस्तों 2030 जो इससे अगला बुल रैली आएगा वहाँ पर 30 किल होने की पूरी चांसेस है, और 2050 तक तो भाई 60 तक किल हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी लगाया गया। लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि 100% ऐसे ही होगा, हो सकता है मे बी उससे पहले भी ये जीरोज किल हो जाए, मे बी थोड़ा सा और समय भी लग सकता है, है ना। तो भाई क्रिप्टो है, इसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एग्जैक्टली प्रोडिक्शन नहीं कर सकता है। ये चीज़ हमें मान के चलना है, बस अपनी होल्डिंग बना के रखना, ताकि जैसे ही ये प्रॉफिट दे तो हम सब भाई उससे वंचित ना रहे, हमें प्रॉफिट मिले। तो ये कुछ न्यूज़ और अपडेट थी दोस्तों। आपका क्या प्रोडिक्शन है 2050 और 2030 2025 के लिए बी राइज का, जरूर कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे न्यूज के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जो है फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट में आज कितना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।